बच्चा गर्भाशय में एमनियोटिक द्रव से घिरा हुआ होता है। एमनियोटिक द्रव पोषण और बच्चे को संरक्षण प्रदान करता है। इसमें बच्चे के कुछ कोशिकाएं होते हैं जिन्हें एमनियोसेंटेसिस के दौरान किसी भी असामान्यता के लिए जांच किया जाता है। एमनियोसेंटेसिस के दौरान थोड़ी सी एमनियोटिक तरल पदार्थ को निकाल कर टेस्ट किया जाता है। यह परीक्षण आमतौर पर गर्भावस्था के 15 सप्ताह से 18 सप्ताह के बीच किया जाता है। एमनियोसेंटेसिस क्यों किया जाता है? एमनियोसेंटेसिस यह जानने के लिए किया जाता है कि बच्चे में कोई गुणसूत्र संबंधी विकार है, जैसे डाउन सिंड्रोम, ट्राइजोमी 13 और एडवर्ड्स सिंड्रोम यानी ट्राइजोमी 18। इन बच्चों में मानसिक मंदता, हृदय दोष और अन्य समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं। यदि आपकी उम्र 35 या उससे अधिक है तो भी डॉक्टर एमनियोसेंटेसिस करवाने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि माँ की उम्र के साथ डाउन सिंड्रोम का खतरा बढ़ जाता है। अगर पहला बच्चा कोई जन्म दोष से पैदा हुआ हो तो इस बच्चे का रिस्क देखने के लिए भी यह एमनियोसेंटेसिस टेस्ट किया जाता है। और अगर पहली तिमाही की स्क्रीनिंग टेस्ट सकारात्मक है यानी पॉजिटिव है तो एमनियोसेंटेसिस करवाने के लिए कह सकते हैं। तो यह कैसा किया जाता है? डॉक्टर गर्भाशय के अंदर बच्चे को देखने के लिए एक अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं और सुई लगाने के लिए सबसे अच्छी जगह का पता लगाते हैं। चिकित्सक को इस प्रक्रिया के दौरान सुई को बच्चे और नाल से सुरक्षित दूरी पर डाल रहे हैं या नहीं, यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर पेट के क्षेत्र में एक सुन इंजेक्शन दे सकते हैं जहां वह सुई डालने वाले हैं। अल्ट्रासाउंड को देखकर चिकित्सक पेट में एक सुई लगाते हैं जो गर्भाशय से होते हुए एमनियोटिक थैली तक पहुंच जाता है। द्रव का एक छोटा सा सैंपल लिया जाता है और सुई को हटा दिया जाता है और इस क्षेत्र पर एक छोटी सी पट्टी लगाते हैं। पूरी प्रक्रिया 10 से 15 मिनट लग सकता है। कुछ घंटों के बाद योनि से थोड़ा रक्ताश्रव हो सकता है और कुछ हल्के से दर्द हो सकता है। कुछ दिनों के लिए आराम करने की कोशिश करें। तरल पदार्थ में कोशिकाओं को अनुवंशिक असामान्यताओं के लिए यानी जेनेटिक अबनॉर्मैलिटीज के लिए परीक्षण किया जाता है और आप कुछ दिनों में परीक्षण के परिणाम जान सकते हैं। मेडहेल टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करना न भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें।